सभी भाई बहनों को, दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय गुरुदेव। सभी का सतनाम होम्योपैथी ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज प्राकृतिक गुणों से भरपूर कई प्रकार के रोगों में कारगर सिद्ध हुआ औषधीय पौधा अपामारक चिटठटा के कुछ औषधीय गुणों की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपामारक का साइंटिफिक नाम एचिरैंथेसिस एस्पेरा और हिंदी में चिटठटा, लठजीरा, चीचरा, आंधी झाड़ा, ओंगा, उल्टा कांटा, संस्कृत में चिटठटा, गुजराती में अगेड़ो, मराठी में अगाड़ा और मलयालम में वनकट लटी। अपामारक दस्तावर तीक्ष्ण अग्नि तीप्त करने वाला और मासिक धर्म की समस्या में और पाचन में, भवन में लाभकारी है। अपामारक वात रोग में, मेद में, गांठ में, हृदय रोग में, आफरा में, बवासीर में, सूल में और उदर रोगों में बहुत लाभकारी है। अपामारक का पौधे का काढ़ा गुर्दे की पथरी को और पूरे शरीर में सूजन आ जाने पर सर्वांग स्रोत में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। अपामारक का पौधे के जड़, तना और पत्ती व पंचांग के मिश्रण को सुबह शाम लेने से खूनी बवासीर और कान का बहरापन और कान का दर्द, सिर दर्द और नेत्र रोग में और मासिक धर्म की समस्या में बहुत लाभकारी है। अपामारक के सार से या अपामारक के सार तेल से सूजन, जलोदर, यकृत वर्दी, कान का सूजन, कान का बेरापन में बहुत लाभकारी है और अपामारक के सार से सार सूत्र तैयार किया जाता है जो बवासीर के बड़े मस्सों को बांधने से 3-4 दिन में मस्से कटकर अपने आप गिर जाते हैं और पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। अपामारक का पौधा का उपयोग डायबिटीज में, दंत रोग में, किडनी रोग में, हृदय रोग में और जुकाम खांसी में और मासिक धर्म में, मूत्र रोग में और स्पेशली मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग में बहुत लाभकारी है। उपरोक्त औषधि से होम्योपैथी चिकित्सा में एचिरैंथेसिस एस्पेरा मदर टिंचर के सेवन से उपरोक्त सभी रोगों को ठीक करने में उपयोगी है। सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर धनजीत मीणा, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड फर्स्ट ओरवा, जिला नोडल होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, बांसवाड़ा, मोबाइल नंबर 9413236020। थैंक यू फॉर एवरी वन। ओके।